बच्चों क्या आप बीएससी कर रहे हैं? तो भारत में पहली बार विज्ञान वृक्ष लेकर आया है ऑल इंडिया बीएससी सेमेस्टर कोर्स। इस कोर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर। जी हाँ, ऐसे टीचर जो आईआईटी से हैं, जिनके एग्जाम क्वालिफाइड हैं, जैसे कि आईआईटी गेट, सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हमने क्या बोला था आपसे, जब भी आप किसी प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं तो ये क्या होता है जी, सबसे पहले अगर आप इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, या आप यहाँ पे HNO3 का यूज कर सकते थे, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। लेकिन ये जो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये इस एल्डिहाइड को क्या करते हैं जी, फर्दर यहाँ से ऑक्सीडाइज कर देते हैं करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपका क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसी तरीके से अगर यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि एल्डिहाइड भी क्या हो सकते हैं जी, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पे हमने एक और मेथड देखा था जिससे आप क्या कर सकते थे, इस एल्डिहाइड को क्या कर सकते थे जी, ऑक्सीडाइज कर सकते थे इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और उस रिएजेंट का नाम था आपका टोलेंस रिएजेंट। और टोलेंस रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है आपको पता ही है, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इन बेसिक मीडियम ठीक है, तो ये होता है आपका टोलेंस रिएजेंट। आप इससे क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते थे। तो ये तो हमारा जो पहला मेथड था ऑक्सीडेशन वाला, जो हमने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था ऑक्सीडेशन वाला, वो ये था। ठीक है, जो हमने दूसरा मेथड यहां पर डिस्कस किया था उसका नाम था अराइल अल्काइल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक बार देखिए यहां पे क्या था आपका, एक कोई अराइल ग्रुप लगा हुआ था और यहां पे क्या हो सकता है जी, इस पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है कुछ इस तरीके से, यहां पे कोई आर हो और यहां पे कोई एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट देखिए ये बेंजाइलिक पोजीशन पे जब आपका एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हमने आपसे क्या बोला था, आप इस पे क्या डालेंगे, जब भी KMnO4 का यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा जी, इसे बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये हमने आपसे बोला था, हमने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कितनी ही लंबी चेन हो या कितनी ही शॉर्टर चेन हो, हमेशा आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा जी, करस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड क्या होगा जी, इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे भले ही CH3 लगाओ, CH3 C2H5 लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस यहां पे क्या था आपका एक हाइड्रोजन होना यहां पे क्या है जी, नेसेसरी है। ठीक है, ये इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट थी और हमने इसकी मैकेनिज्म भी डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां पे डिस्कस करने आ रहे हैं, जो है आपका नाइट्राइल से। अब देखिए जी, नाइट्राइल फंक्शनैलिटी सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ होती क्या है। जब भी आपने देखा होगा आर के साथ अगर हम कुछ C(NN) लगा दें, तो इन्हें क्या बोला जाता है, नाइट्राइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, नाइट्राइल बोला जाता है। अब देखिए, जब आप इस नाइट्राइल का यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, जब आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक बार देखिए इसको मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताता हूँ। एक बार देखिए, जब भी आप क्या करते हो किसी नाइट्राइल का यहां पे क्या करोगे जी, हाइड्रोलिसिस करोगे ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये क्या होता है, पहले अमाइड में कन्वर्ट होता है। तो अमाइड फंक्शनैलिटी आपकी कुछ इस तरीके की होती है। देखिए, ये आर तो एस सच रहेगा, तो इसको मैंने एस सच यहां यहीं पे लिख दिया। अब देखिए इससे आगे क्या है, ये C(NN) कन्वर्ट हो जाता है इस अमाइड फंक्शनैलिटी में, C(OO) यहां पे NH2। लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, तो ये क्या होता है, फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है अमाइड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस आर ग्रुप को एस सच रखेंगे, ये जो फंक्शनैलिटी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, करस्पॉन्डिंग COOH में। और यहां पे देखिए, ये जो NH2 है ये इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या अमोनियम आयन की फॉर्म में यहां से निकल जाती है, जिसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो रिएक्शन होती है ना, एक्चुअली काफी स्लो चलती है, इसलिए हमें यहां पे एसिड या बेस कैटालिसिस की यहाँ पे क्या होती है जी, नेसेसिटी पड़ती है, या हमें यहाँ पे क्या होती है, उसकी जरूरत पड़ती है एसिड कैटालिसिस या बेस कैटालिसिस की। अब एक बार क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद इनकी दोनों ही मीडियम में एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाएं भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, CH3
CN दिया हुआ है, और जब भी आपको टू इक्विवेलेंट वाटर दिया हो ना, तो इसका मतलब वो क्या करना आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना आ रहा है। देखिए भाई, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, जब आप इसका क्या करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ओनली वन इक्विवेलेंट वाटर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अमाइड फॉर्म होगा। लेकिन जनरली इस तरीके की रिएक्शन बहुत कम, आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके बाद इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और यहाँ पे दूसरा इक्विवेलेंट ऑफ वाटर क्या करता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके इसे करस्पॉन्डिंग आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम यही चीज आपको यहां करनी है, एक बार देखेंगे। देखिए भाई, यहां पे HCl किसका काम कर रहा होगा, पक्का ही आप बोलेंगे ये पक्का ही किसकी तरह काम कर रहा होगा, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होगा। अब देखिए भाई, यहां पे ये आपको CN दिख रहा है और यहां पे वाटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुल मिला के इसकी क्या कर देनी है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है इस नाइट्राइल की, और नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपके एसिड फंक्शनैलिटी होती है। तो आप क्या करोगे, इस CH3 को एस सच लिख दोगे, जैसे हम R ग्रुप को वहां पे क्या लिख रहे थे, एस सच लिख रहे थे, और इसको क्या कर दोगे, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर दोगे। या आप अगर स्टेप वाइज दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखिए NH2, और इसका क्या कर दीजिए, इसके आगे को क्या कर दीजिए, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, आपका CH3CO2H। अब देखिए यहां पे जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट आप एक बार खुद लिख के देखेंगे, रिएक्शन को पॉज करके एक बार इसका प्रोडक्ट खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए भाई, यहां पे आपका R ग्रुप क्या है, ये पूरा आपका R ग्रुप है, यानी कि बेंजाइल ग्रुप, PHCH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है, बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है। अब देखिए आप इसको S सच यहीं पे लिख लीजिए PHCH2, और आगे जो नाइट्राइल फंक्शनैलिटी है उसका क्या हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको बेंजाइलिक एसिड क्या होता है, फॉर्म होता हुआ दिखता है। अब देखिए भाई, या अगर मैं इसका नेम आपसे पूछ लूं, तो आप इसका नेम क्या बोलेंगे भाई, हमेशा नेम कहां से स्टार्ट करना होता है, इस पोजीशन से स्टार्ट करोगे 1 2, तो 2-phenyl क्या बोल दोगे इसे, एसिटिक एसिड बोल दोगे। हालांकि अभी मैंने आपको नोमनक्लेचर पढ़ाया नहीं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, नोमनक्लेचर को लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे हम बहुत सारे जितने भी आपके क्या है फंक्शनैलिटी है, उन सबको कंबाइन करके क्या करें, नोमनक्लेचर को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा नोमनक्लेचर करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया, स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज की है। अब देखिए, जो ये थर्ड कंपाउंड दिया है, इससे जनरेट होने वाला प्रोडक्ट आप खुद लिखेंगे भाई, इसको हम एज सच यहाँ पे छोड़ देते हैं, जब हम लास्ट में आपको रिकैप करेंगे तो वहां पे हम इसका आंसर भी लिख देंगे। अब आप एक चीज मुझसे पूछ सकते हो कि सर, जो ये नाइट्राइल होते हैं ना, ये हम क्या कॉमर्शियली खरीद सकते हैं, बाजार से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या हम लैब में प्रिपेयर करते हैं इन्हें? तो हम आपसे बोलेंगे कि आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें डायरेक्टली कॉमर्शियली अवेलेबल सब्सटेंस को जब डायरेक्टली खरीदते हैं, तो उनकी कीमत क्या होती है भाई, हाई होती है, इसलिए इनको प्रिपेयर करना प्रीफर करते हैं लैब्स में। तो आप देखिए, अगर आप इन्हें लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक बार देखिए। देखिए ये जो आपका CH3 BR पे अगर आप KCN का अटैक करवाएंगे, देखिए KCN का अटैक करवाएंगे, तो K+ और CN- तो ये क्या करेगा, यहाँ पे SN2 अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अल्काइल नाइट्राइल्स का यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, फॉर्मेशन कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता था, लेकिन अगर आपको, देखिए भाई ये जो मेथड है ना, ये कब तक वैलिड है, जब ये आपका ग्रुप क्या हो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो। अगर यहाँ पे आप क्या लाते हो जी, अराइल ग्रुप लाते हो ना, और उसके बाद अगर आप सोचोगे कि आप यहाँ पे क्या करोगे, CN- का अटैक करा के क्या करोगे, यहाँ पे अटैक कराओगे, और उसको क्या कर दोगे, किक आउट करके यहाँ पे अगर अराइल नाइट्राइल्स फॉर्म करने की सोचोगे, तो ये क्या है जी, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन इन SP2 सेंटर्स पे ऑब्जर्व नहीं की जाती, क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एम्प्टी सिग्मा स्टार चाहिए होता है, यानी कि बैक साइड अटैक चाहिए होते हैं, इस सिग्मा के बैक साइड से अटैक होनी चाहिए, लेकिन बैक साइड में क्या है जी, इस रिंग का यहाँ पे हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे आप SN2 अटैक नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका बैक साइड पूरा का पूरा खाली, यानी कि इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे क्या है, आपको अवेलेबल है, तो आप इस पे बहुत इजीली अटैक करवा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे SN2 रिएक्शन करवा के क्या कर सकते हैं जी, अल्काइल नाइट्राइल्स यहाँ पे ऑप्टेन कर सकते हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इनको ऑप्टेन करने का तरीका क्या है, अराइल नाइट्राइल्स को ऑप्टेन करने का तरीका क्या है, तो बोलूंगा आपको वो मेथड बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम उस रिएक्शन को ना क्लास 12th में बहुत जमकर पढ़ते हैं भाई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने सैंडमेयर रिएक्शन का नाम सुना है, तो आप पक्का ही बोलेंगे हाँ। तो एक बार क्या करते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई, आप क्या करोगे, बेंजीन को क्या करोगे, बेंजीन का सबसे पहले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाइट्रेशन कर सकते हो HNO3 की प्रेजेंस में, HNO3H2SO4, ये क्या आपको पता है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट है। और अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आपको ये बेंजीन की केमिस्ट्री में देवेंसर करा देंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा।
अब देखिए भाई, इसका सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा SN HCl, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग अमीन ग्रुप में, यानी कि यहाँ पे आपने क्या ऑप्टेन कर लिया जी, NH2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको पता है कि कैसे यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन कराई जाती है, तो आप पक्का ही बोलोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, डायजोटाइजेशन, और वो कैसे की जाती है आपको पता है, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl जो ये रिएजेंट कॉम्बिनेशन, ये क्या करता है जी, इस NH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ इस तरीके से क्या है जी, आपको यहाँ पे N2 प्लस फॉर्म होता हुआ दिखेगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या कर लिया जी, फॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद आपको पता है कि सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हो CuCN के साथ, यहाँ पे आप KCN या HCN कुछ भी यूज कर लीजिए, HCN। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इसको N2 को रिप्लेस कर देगा और आपका यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, CN ऐड हो जाएगा। ये चीज, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि हम इस तरीके के मेथड से डायरेक्ट हम CN का अटैक करा के किसी क्लोरोबेंजीन पे इस तरीके से हम अराइल नाइट्राइल्स को फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। ठीक है, हमें ये जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है कैसे ऑप्टेन करना है, ये चीज आपको पता चल गई होंगी। अब देखिए भाई, ये प्रिपेयर करना हमने सीख लिया, ये हमने प्रिपेयर करना सीख लिया, अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे एक बार बताएंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग क्या है, पीछे की ओर है, तो ये सेंटर क्या हो गया, अगेन sp3 सेंटर है, और sp3 सेंटर पे आप डायरेक्ट यही वाला फंडा यूज कर लेंगे। ठीक है, sp3 सेंटर पे देखिए, ये सेंटर भी कैसा था आपका, sp3 था। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या, इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक फिनाइल रिंग लगा दी, तो वो यहाँ पे करेगी स्लाइड हिंड्रेंस कॉज कर सकती है, लेकिन रिएक्शन की फेवरेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिएक्शन जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे, ये कैसे यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म को डिस्कस करने आ रहे हैं। अब देखिए भाई, जब हम आपसे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा आपका, इस तरीके से नाइट्राइल होगा R, ट्रिपल बॉन्ड CN, और एसिड कैटलाइज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको HC कोई भी यहाँ पे क्या होगा, H+ देने वाली, H+ डोनेट करने वाली स्पीसीज दी होगी, तो आपका एसिडिक मीडिया का मतलब क्या है जी, यहाँ पे H+, या और यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, H+ H2O, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ रहे, तो वाटर तो यहाँ पे पक्का ही होगा। अब देखिए, ये सबसे पहले स्टेप में नाइट्रोजन क्या करता है, इस H+ को यहाँ से पकड़ लेता है, और यहाँ पे क्या करता है, RC ट्रिपल बॉन्ड और N, और नाइट्रोजन ने देखिए यहाँ पे ये क्या, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वैसे भी नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्म करे तो आपको पता है कि क्या होता है, उसके ऊपर क्या आता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है, या इससे पहले आप क्या कर सकते हो, इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देख सकते हो। अगर आप इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे, तो आपको पता है ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इस पाई बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H। अब देखिए इस नाइट्रोजन का तो यहाँ पे से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन देखिए इस कार्बन ने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बॉन्ड फॉर्म किए थे, लेकिन यहाँ पे इसके पास कितने रह जाएंगे, सिर्फ 3 बॉन्ड रह जाएंगे। इसका मतलब इस पे क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन इस पे जनरेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट रहता है, देखिए तो ये वाटर यहाँ पे क्या करता है, इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगा जी, अटैक कर देगा, और आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड N यहाँ पे H, और इस पे क्या आ जाएगा आपका OH2, और इस पे क्या आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं भाई। अब देखिए हमने क्या बोला आपसे, कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका था, R डबल बॉन्ड N H, और यहाँ पे क्या अटैक हो चुका है, वाटर का अटैक हो चुका है OH2। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन ने अगेन यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, जैसे हमने बोला था आपसे, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, अपनी कोवेलेंसी से एक ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसका मतलब वहां पे उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने भी क्या किया है जी, यहाँ पे अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यानी कि अपनी कोवेलेंसी से 2 से 1 ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो प्रोटोन है यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है, और इस ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टेबिलाईज करता है। अब देखिए जी, सी इस पे नाइट्रोजन हट चुका है, ठीक है, अब देखिए एन
एच और यहाँ पे आ गया आपका ओ एच। इसके अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे ना, ये आपको कुछ इनोल टाइप की स्पीसीज दिख रही होगी। हालांकि ये इनोल नहीं है, क्या इमिनोल है, लेकिन आप क्या देख सकते हैं जी, इसमें भी कीटो इनोल टोटोमरिज्म की तरह इमिनोल टोटोमरिज्म हो सकता है, कीटो इमिनोल टोटोमरिज्म यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये प्रोटोन क्या होगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टोटोमरिज्म और आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, देखिए R C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ चुका आपका NH2 आ चुका है। अब देखिए जी इसके अगले स्टेप में यहां पे क्या होगा ना, अगेन देखेंगे एक बार, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है जी, यहां से H+ है क्योंकि एसिडिक मीडिया है, तो यहां से ये क्या करता है, अगेन इसको धक्का देता है और ये क्या करता है जी, इस प्रोटोन को यहां से पकड़ लेता है। अब देखिए R C डबल बॉन्ड NH2 और यहां पे आ गया आपका OH आ चुका है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे होगा क्या ना, ये नाइट्रोजन ने फोर बॉन्ड फॉर्म किए तो ये इस पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो अगर आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म देखेंगे ना, वो कैसी होगी एक बार देखिए, आप क्या कर सकते हो जी, इस पाई बॉन्ड को यहां से क्या करोगे, इस पॉजिटिव चार्ज पे शिफ्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक बार देखिए एन एच टू और यहां पे क्या आ गया आपका ओ एच आ चुका है और यहां पे क्या आ चुका आपका आर। इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या हो चुका है जी, न्यूट्रलाइज हो चुका है। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखेंगे ना, इसके पास यहाँ पे फोर बॉन्ड थे, वन टू थ्री फोर, लेकिन यहाँ पे इस पे कितने बॉन्ड रहेंगे, सिर्फ थ्री बॉन्ड रहेंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, वाटर क्या करेगा, रिएक्शन मीडियम से फिर से आएगा और इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आएगी, ओ एच H और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका NH2 और यहाँ पे क्या है आपका OH है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ लेता है और आपका क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए भाई आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होगा, आर यहाँ पे क्या आ गया आपका OH और यहाँ पे क्या आ गया आपका NH3 प्लस और यहाँ पे आ गया आपका ओ एच आ चुका है। इसके अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर से यहाँ पे धक्का मारता है और इस NH3 को यहाँ से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, इस NH3 को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो देखिए भाई आपका रिएक्शन मीडियम में क्या आउट होगी है, अमोनिया आउट हो चुकी है, रिएक्शन मीडियम में अमोनिया आउट होगी और यहाँ पे क्या है आपका आर, ये क्या है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या है जी ओ एच है। अब देखिए ये जो एच है ना, ये अमोनिया क्या करती है, यहां से इस एच को पकड़ लेती है कुछ इस तरीके से और इसको क्या कर देती है, स्टेबिलाईज कर देती है। तो अगर आप आपका फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका, अमोनियम आयन जनरेट हो गया है, क्या जनरेट हो गया है जी, अमोनियम आयन जनरेट हो गया NH4+। तो एक बार बोलेंगे मैकेनिज्म आपको समझ में आई या नहीं, देखिए एक बार मैं आपको फिर से इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले स्टेप में यह होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं जी, इस प्रोटोन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरीके की यहाँ पे क्या कर देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कर देते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, अपनी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म में जब जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकैटायन डेवलप हो जाएगा, जिसपे क्या करता है अपना वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है और उसके अगले स्टेप में क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, तीन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये क्या होता है जी, यहाँ पे H+ रिलीज कर देता है, H+ रिलीज कर देता है और कुछ इस तरीके की आपकी क्या होती है यहाँ पे इनोल टाइप की स्पीसीज बन जाती है। हालांकि मैंने बोला कि प्रॉपर इनोल नहीं, क्योंकि ये जो स्पीसीज है इसे क्या बोला जाता है, इमीन बोला जाता है और ये क्या आपका ऑल है, तो इसे क्या बोलते हो आप, इमिनोल टाइप की स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म होती है और ये इमिनोल क्या होती है, जस्ट लाइक इनोल ये क्या करती है, टोटोमरिज्म शो करती है कीटो इमिनोल टाइप का और कुछ इस तरीके से अमाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही तो हमने बोला था कि आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा जी, अमाइड होगा। यही तो हमने आपसे बोला था कि जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका अमाइड होगा। तो वो इस तरीके से यहाँ पे बनता है। लेकिन देखिए ये क्या होता है, इसको आइसोलेट करना काफी टफ है यहाँ से, क्योंकि हमारा रिएक्शन मीडियम में एसिड क्या होगा जी, बहुत हाई अमाउंट में होगा और यहाँ पे वाटर भी क्या होगा, हाई अमाउंट में होगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यहाँ से पुश करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ लेता है और आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कार्बोकैटायन डेवलप हो रहा होता है सेंट्रल कार्बन पे। अब
अब देखिए भाई इस पे क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करके सिमिलरली जैसे यहाँ पे अटैक किया था उसी तरीके से यहाँ पे अटैक करता है और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्रिएट करता है, जिसको क्या करता है ये NH2 क्या करता है इंट्रामोलिकुलरली प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके स्टेबिलाइज कर देता है और खुद पे क्या आता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन पे खुद पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ना ये अपने लोन पेयर का यहाँ पे पुश लगाता है और इस NH3 को क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया क्या करता है बाहर कर देता है। लेकिन यह अमोनिया क्या करती है भाई यहाँ पे जो रिलीज्ड अमोनिया होती है ना वो लास्ट स्टेप में क्या करती है इस एच को यहाँ से रिमूव करके इस रिएक्शन को क्या करती है फैसिलिटेट करती है, ठीक है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसका बेस कैटलाइज्ड मीडियम में रिएक्शन किस तरीके से चलती है एक बार देखिए भाई, यहां पे आपके पास क्या होगा कोई R ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। अब देखिए भाई बेस कैटलाइज्ड मीडियम में आपके पास क्या होंगे यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन पड़े होंगे, साथ में क्या होगा वाटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको पता है देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या कर रहा होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपनी ओर क्या कर रहा होगा विड्रॉ कर रहा होगा, तो इसके ऊपर क्या आ रहा होगा डेल्टा निगेटिव और इसके ऊपर क्या आ रहा होगा जी डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। अब देखिए हाइड्रोक्साइड आयन आपका कैसा है जी न्यूक्लियोफिलिक नेचर में है, तो वो पक्का इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या कर देगा अटैक कर देगा और यहां से क्या होगा नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगी पाई डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए भाई यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा डबल बॉन्ड एन इसके ऊपर माइनस और यहाँ पे आ गया आपका ओ एच आ गया। अब देखिए रिएक्शन मीडियम में सिंस आपका वाटर भी होगा तो ये जो नाइट्रोजन है ना ये वाटर का एच यहाँ से क्या कर देता है जी पकड़ लेता है, ये जो नाइट्रोजन है ये वाटर का एच यहाँ से पकड़ता है और आपका एक हाइड्रोक्साइड फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा रीजनरेट होगा और आप देखिए भाई आर एन एच और यहाँ पे क्या आ गया ओ एच आ गया। अब देखिए ये अगेन आपको किसकी तरह दिख रहा होगा इमिनॉल की तरह दिख रहा होगा, तो अगेन ये क्या करेगा जी यहाँ पे टोटोमरिज्म शो करेगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे टोटोमरिज्म शो करेगा, टोटोमरिज्म शो करेगा, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा ये जो अल्कोहल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कीटो में और जो ये इमीन थी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमीन में और कुल मिला के ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बन गया जी ये आपका बन गया यहाँ पे अमाइड फंक्शनैलिटी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में अगेन क्या होगा आपका अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में देखिए क्या लिया हुआ हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ है, तो ये क्या करता है जी यहाँ पे अटैक करता है कुछ इस तरीके से देखिए ये क्या करता है जी यहाँ पे अटैक करता है कुछ इस तरीके से और इसको क्या कर देता है ओपन कर देता है और आपको पता है कि रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा अगेन वाटर प्रेजेंट होगा। पहले तो देखिए कुछ इस तरीके का आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बनने वाला है ओ माइनस यहाँ पे आपका एन एच टू और एक क्या है जी यहाँ पे ओ एच आ चुका है। देखिए रिएक्शन मीडियम में आपका जो वाटर प्रेजेंट होगा ना एच ओ एच ये क्या करता है उसका एच पकड़ लेगा कुछ इस तरीके से और आपका हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा और देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपका डेवलप हो जाएगा एच यहाँ पे आपका NH2 और यहाँ पे क्या है जी आपका OH है। अब देखिए यहाँ से ना आपकी दो पॉसिबिलिटी बनती है इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये नाइट्रोजन अगर यहाँ से लोन पेयर का धक्का मारेगा तो ये हाइड्रोक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से रिवर्सिबल होके वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी इस अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए अगर ये यहाँ से इसको धक्का मारेगा तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से रिवर्सिबल हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझेंगे भाई अगर ये नाइट्रोजन यहाँ से धक्का ना लगा के ये ऑक्सीजन यहाँ से धक्का लगा के इसको आउट कर दे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ से NH2 माइनस क्या होगा रिएक्शन मीडियम में आउट होगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका R C डबल बॉन्ड O यहां पे क्या आ गया आपका C डबल बॉन्ड O H और यहां पे क्या आ गया जी आपका O H S से यहां पे प्रेजेंट है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या करेगा इस H को यहां से पकड़ के अमोनिया की फॉर्म में क्या होगा यहां पे आउट हो जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां से क्या बन जाएगा जी यहां पे लिख देते हैं आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको एसिड की फॉर्म में यहां पे कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा। तो ये थी आपकी एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखिए बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में तो यहां पे गिने चुने स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है आपका ओ एच माइनस अटैक कर रहा है और क्या कर रहा है वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पाई डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज कहां पे नाइट्रोजन के ऊपर डेवलप हो रहा है। ठीक है अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या कर रहा है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है कहां से वाटर से और अगेन क्या कर रहा है यहां पर हाइड्रोक्साइड रीजनरेट कर रहा है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड रीजनरेट होते हैं ना ये क्या करते हैं फर्दर इन अमाइड्स पे देखिए ये क्या है आपका इमिनॉल है ये इमिनॉल टोटोमराइज हो गया किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका अमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये अमाइड्स तो अगेन कौन अटैक कर रहा है ओएच अटैक करके क्या कर रहा है जी आपका करस्पोंडिंग यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड
जनरेट कर रहा है। तो ये थी आपकी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है। बाकी हमने इसके क्वेश्चन वगैरह तो डिस्कस कर ही लिए हैं, और देखिए भाई हमने आपसे क्या बोला, इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, और देखिए कुछ करना तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे अराइल ग्रुप है तो इसको एस सच लिख दीजिए, यहाँ पे C6H5 यानी कि कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है इस साइनाइड को क्या कर देना आपने, सिर्फ CO2H में कर देना है। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CONH2 लिखना है, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके क्या जनरेट हो जाएगा, PHCOOH। इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस दी होगी तो अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दिया होगा तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा, ओके। तो ये था आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बढ़ते हैं फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर। अब देखिए भाई जो आपका अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, एसिड जो आपके डेरिवेटिव होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, उनकी हाइड्रोलिसिस करके आप क्या कर सकते हो, उनकी हाइड्रोलिसिस करके भी आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरेट कर सकते हो। अब एक बार देखिए भाई यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जितनी भी रिएक्शन है ना ये एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड मीडियम दोनों में होती है, तो हम आपको इनमें से किसी एक का मैकेनिज्म क्या करेंगे दोनों मीडियम में बता देंगे, बाकी हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनता है वो सीखेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको ये OH- पहले हम क्या करते हैं बेस कैटलाइज्ड मीडियम की बात कर लेते हैं, या हम पहले आपको मैकेनिज्म बताते हैं और उसके बाद हम ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि यहाँ पे आपको चार डेरिवेटिव दिए हुए हैं, सबसे पहला आपका एसिड क्लोराइड, दूसरा दिया हुआ आपको एनहाइड्राइड, तीसरा दिया हुआ आपको एस्टर, और फोर्थ दिया हुआ है आपको अमाइड यहाँ पे। तो इन चारों में सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा और सबसे लीस्ट कौन, मतलब कुल मिला के हम इन रेट कांस्टेंट का ऑर्डर आपसे पूछ लेंगे कि किसका रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, किसका रेट कांस्टेंट सबसे कम होगा, और इन चारों रेट कांस्टेंट का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये हम आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं आपको एक बार मैकेनिज्म समझाते हैं। मैकेनिज्म से पहले एक बार देखिए हम अब इसको ना कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए सब में क्या है, इतना पोर्शन कॉमन है, CH3CO, तो हम इसको कुछ इस तरीके से CH3CO, और यहां पे ये जितने भी है ना इन सबको हम ग्रुप G से यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रुप G से हम इन सबको यहां पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है इस तरीके से। तो अब बढ़ते हैं आगे और एक बार हम इसको आप अब देखिए भाई यहां पे क्या था आपका CH3COG। अब देखिए भाई यहाँ पे जो होता क्या है ना, पहले हम बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे OH- होगा, और OH- क्या करता है यहाँ पे डायरेक्टली इस सेंटर पे अटैक करता है। अब अगर ये OH- क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, देखिए न्यूक्लियोफाइल है, और यही स्टेप क्या होता है जी, इसका RDS होता है, यही क्या होता है इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। आप एक बार समझिए यहाँ पे ये कितनी तेजी से अटैक कर पाएगा वो हम कैसे बताएंगे, ये ग्रुप कैसा है यहाँ पे ऐसे बता पाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होंगे रेट भी क्या होंगे जी, ज्यादा होंगे, रेट भी क्या होंगे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर ये आपका डेल्टा प्लस यहाँ पे क्या है कम है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, तो वहां पे ये अटैक भी क्या होंगे स्लो होंगे, क्योंकि ये प्लस चार्ज इसको खींच नहीं पाएगा इस निगेटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि एक बार देखिए अगर प्लस ज्यादा तो वो निगेटिव चार्ज को बहुत आसानी से, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा वहां पे बहुत स्ट्रांग होगा, तो बहुत तेजी से निगेटिव चार्ज आएगा और अटैक कर देगा। लेकिन अगर आपका ये जो मैग्नीट्यूड है ना पॉजिटिव चार्ज का ये बहुत कम है, तो वहां पे अट्रैक्शन भी क्या होंगे बहुत स्लो होंगे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा कम होगा, तो वहां पे जो अप्रोच होगी आपके न्यूक्लियोफाइल की वो क्या होगी स्लो होगी। तो एक बार देखिए जब आपका ये जी क्या होगा, जब आपका जी क्या होगा जी, यहाँ पे पहले तो हम ये बता रहे हैं जब यहाँ पे ये क्या होगा आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो रेट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, रेट भी कम हो जाएगा। अब देखिए ये जी ग्रुप पे ये सारी कहानियां यहाँ पे अटकती है कि कब आपका यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा और कब आपका डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे घटेगा। अब देखिए भाई ये जो जी ग्रुप है ना आपका, अगर ये यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ये होता है तो ये क्या करेगा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना स्टार्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो आपका क्या करेगा डेल्टा प्लस क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इंक्रीज करेगा, और डेल्टा प्लस अगर इंक्रीज करेगा तो वहां पे रेट भी क्या होंगे जी आपके इंक्रीज होंगे, रेट भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे। अब देखिए उसके बाद क्या कहानियां आती है आपकी, उसके बाद आपकी कहानी आएगी अगर आपका जी क्या है जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर जी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वहां पे डेल्टा प्लस क्या होंगे जी डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर डेल्टा प्लस डिक्रीज होएंगे तो वहां पे रेट भी क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पे चार सबस्ट्रेट डिस्कस किए थे, सबसे पहले हमने क्या बोला था CH3 PO Cl, ठीक है
ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सीएल क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये क्या करेगा, रेट को आपके इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा जी, यहाँ पे रेट को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे सी एस थ्री सी ओ और यहाँ पे क्या लगा दोगे, ओ आर ग्रुप लगाओगे, यानी कि एस्टर ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है जी, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लगाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होता ना उसको अपने प्लस आर इफेक्ट से क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबिलाइज करेगा, यानी कि डेल्टा प्लस क्या कर देगा जी, डेल्टा प्लस यहाँ पे डिक्रीज करेगा, डेल्टा प्लस डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके रेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब रेट भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने जो लास्ट सब्सटेंस देखा था वो क्या था, आपका अमाइड था, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका क्या है जी, NH2। अब एक बार देखिए भाई, ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी यहाँ से क्या लगाएगा, प्लस M इफेक्ट लगाएगा, प्लस R इफेक्ट लगाएगा, और प्लस R इफेक्ट लगा के यहाँ पे डेल्टा प्लस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अब देखिए ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा प्लस M कौन लगाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। देखिए भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी। अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या, ज्यादा होल्ड करके रखेगा, ज्यादा होल्ड करके रखेगा तो ये क्या करेगा, लेस डोनेशन होगा यहां पे। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। अगर टाइटली होल्ड करके नहीं रखेगा तो इसके लोन पेयर क्या करेंगे, बाहर की ओर क्या करेंगे, स्टेबिलाइजेशन देंगे, बाहर की ओर क्या करेंगे, बॉन्डिंग करने जाएंगे इस तरीके से। और अगर ये बाहर की ओर इस तरीके से स्टेबिलाइजेशन देंगे तो यहां पे प्लस एम इंक्रीज होता जाएगा, और प्लस एम जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपका डेल्टा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और डेल्टा जितना डिक्रीज होता जाएगा रेट भी आपके क्या होंगे, उतने ज्यादा डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपके क्या होते हैं अमाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, लेस रिएक्टिव होते हैं आपके एस्टर से। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि यहां पे एक और स्पीसीज का हमने नाम लिया था, जिसे हमने एनहाइड्राइड बोला था, जहां पे क्या था आपका सी ओ ओ सी ओ और यहां पे क्या है जी सी एस थ्री। अब आपको ये तो पता लग गया है कि यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आई वाला तो सबसे आगे आ जाएगा रेट के मामले में, लेकिन इन दोनों में क्या है, ये ऑक्सीजन वाला आगे रहेगा, ऑक्सीजन वाला आगे रहेगा, तो इस नाइट्रोजन से यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन अभी भी जीत जाएगा। लेकिन एक इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में ऑक्सीजन है, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अगर इस ओर को मूव करेगा तो एक बार देखिए भाई ये क्या करेगा, यहाँ को भी स्टेबिलाइजेशन दे रहा होगा और कभी कभार इधर को भी स्टेबिलाइजेशन दे रहा होगा। तो इसके जो लोन पेयर है ना वो प्लस एम तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो दोनों सेंटर पे क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन करेंगे। तो देखिए जब ये इधर की ओर स्टेबिलाइजेशन दिखा रहा होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा बेस आके क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक कर देगा, उस सेंटर पे उस टाइम पे क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक कर देगा। लेकिन अगर ये इधर की ओर स्टेबिलाइजेशन दिखा रहा होगा तो बेस हमारा आके इधर की ओर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से जो आपके एनहाइड्राइड होंगे वो क्या होंगे जी, इनसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस सेंटर की डेल्टा प्लस देखें तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज तो हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसी डायरेक्शन में रेजोनेंस ना होके इस डायरेक्शन में भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा। अगर ज्यादा नहीं हो रहा होगा तो रेट भी क्या होंगे, ज्यादा डिक्रीज नहीं होंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा रेट क्या रहेगा आपका, एसिड क्लोराइड्स का रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा आपका एनहाइड्राइड्स का रहेगा, उसके बाद एस्टर्स का, उसके बाद अमाइड का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए भाई प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एक बार हम आपको ये बता देते हैं। यहाँ पे क्या था आपका R, C, O और यहाँ पे क्या है जी आपका G ग्रुप है। तो देखिए पहले हम बेस कैटलाइज्ड मीडियम की बात करते हैं। ये OH क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके इसको क्या कर देगा, ओपन करेगा और आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। O माइनस, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका G आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके अगले स्टेप में यहाँ पे होता क्या है ना, एक बार देखिए ये O माइनस जो ऊपर की ओर गया ये यहाँ से वापस आता है और ये G जो होता है ना एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाता है। अभी तक हमने G क्या क्या डिस्कस किए हैं, G हमारा एक केस में तो क्लोरीन था, क्लोरीन क्या होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है जी, बिल्कुल होता है। अब देखिए इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था आपका ओ आर, यानी कि ओ आर या ओ एम ई एस्टर के केस में हमने ये डिस्कस किया था, तो ये भी आपके क्या होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ओ सी ओ आर
एनहाइड्राइट के केस में आपका क्या था, लिविंग ग्रुप ये था, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन आप देखिए भाई यहाँ पे अमाइड के केस में आपका लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, NH2- हो जाएगा। NH2- एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसीलिए हमने क्या बोला ये सबसे लेट क्या होंगे यहाँ से, ये सबसे स्लोएस्ट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस देते हैं। सबसे स्लोएस्ट रेट क्या बोला था हमने, इनका ही बोला था, सबसे स्लोएस्ट रेट हमने इनका ही बोला है। देखिए यहाँ पे तीन बार हमने डिक्रीज किया है इसे, ठीक है। तो सबसे स्लोएस्ट रेट अगर इनका है तो एक रीजन तो क्या था, इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है। दूसरा रीजन क्या है भाई, यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप भी होता है आपका NH2, ठीक है। तो इसके बाद जब ये निकलेगा यहाँ से तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका एसिड बन जाएगा OH। ये क्या थी आपकी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म थी। एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में क्या होता है, एक बार देखिए आपका यहाँ पे क्या था, आर सी ओ, और यहाँ पे क्या था जी आपका जी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड का मतलब क्या है, H+H2O। तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इस H+ को पकड़ के ऑक्सोनियम स्पीसीज यहाँ पे क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है OH, और यहाँ पे क्या आ गया आपका जी आ गया। अब देखिए जी ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, तो आर जी और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया, ठीक है। अब देखिए जी इस सेंटर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास पहले कितने बॉन्ड थे, 1, 2, 3, 4, अब कितने रह गए, 1, 2, 3। इसके अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या करता है जी, अटैक करता है यहाँ से OH2, यहाँ से क्या करता है, अटैक करता है इस सेंटर पे, और कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्पीसीज जनरेट कर लेता है OH जी, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH H और प्लस। अब देखिए हमेशा आपको कैटलिस्ट की एक खास बात पता होगी, वो क्या होता है जी, इनिशियली यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है लेकिन लास्ट में क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा, H+ को रीजनरेट कर देगा, और आपका H+ क्या हो गया, रिएक्शन मीडियम में वापस चला गया, जो इनिशियली लिया था वो वापस चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपका OH OH, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका जी आ गया। उसके अगले केस में ये जो ऑक्सीजन के लोन पे है यहाँ से पुश करेंगे और जी को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ से आर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका OH, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है जी यहाँ पे प्लस। तो ये जो G- यहाँ से गया है, G- यहाँ से गया है, वो क्या करता है जी इस H+ को यहाँ से पकड़ता है और आपका क्या जनरेट कर देता है यहाँ पे एसिड यहाँ पे जनरेट कर देता है। आई होप आपको ये OH आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपका क्या बना, ऑक्सोनियम स्पीसीज बनी। ऑक्सोनियम स्पीसीज में हमें पता है कि जो आपका सेंट्रल कार्बन होता है, कार्बोनिलिक कार्बन होता है, वहां पे क्या होता है जी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकैटायन होता है, उस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, और उसके बाद क्या करता है वो कैटलिस्ट आपका रीजनरेट होगा, और लास्ट में क्या होगा आपका लिविंग ग्रुप को किक आउट कर दिया जाएगा वाया ऑक्सीजन के लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, अपना पुश लगाएंगे और क्या करेंगे, लोन पेयर को रिएक्शन मीडियम में आउट कर देंगे। तो ये क्या थी जी इसकी मैकेनिज्म थी, ओके। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने आपसे पहले तो प्रोडक्ट पूछा था, तो प्रोडक्ट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, OH को यहाँ पे करना है, अटैक कराना, और लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देना है। तो चारों ही केसेस में आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से OAC क्या होगा निकल जाएगा, यहाँ पे OH यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, और यहाँ पे OH यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका क्या होगा ये यहाँ से निकल जाएगा। तो चारों ही केसेस में प्रोडक्ट तो आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और OH, एसिटिक एसिड आपका चारों ही केसेस में यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट से ज्यादा क्या था इंपॉर्टेंट, आपका रेट कांस्टेंट का ऑर्डर। तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली, यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये क्या लगाएगा जी, -I इफेक्ट लगाएगा क्लोरीन, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर हमने क्या बोला तीनों ही क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन डोनेटिंग में सबसे ज्यादा डोनेटिंग कौन है, ये सबसे ज्यादा डोनेटिंग है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, तो K4 आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमने इन दोनों में बात की थी, हमने क्या बोला था यहाँ पे क्या हो रहा है आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है जी आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन है। अब देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन में आपका क्या होगा, एक बार देखेंगे भाई, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होगी जितनी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा रिड्यूस होगी या ज्यादा डिक्रीज होगी तो आपके रेट भी क्या होंगे, ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। हालांकि ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो फिर क्या आ जाएगा आपका K3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा K2 आ जाएगा, और K2 से ज्यादा क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेट का ऑर्डर हो जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर।
तो देखिए भाई, जो आपका लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसका रेलेवेंस आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो प्रीवियस मेथड था उसको भी मैं अभी आपको इन दोनों का कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार देखिए यहां पे क्या है ना, जब भी आप किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉलिड CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो वहां पे होता क्या एक बार देखिए। हमने आपसे क्या बोलता है, जब भी किसी मेटल के साथ कोई कार्बन का बॉन्ड लगा हो तो उस पर क्या होता है, डेल्टा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हमेशा अपने पास क्या रखते हैं, डेल्टा पॉजिटिव रखते हैं। तो कुल मिला के हम यहां से बोल सकते हैं कि यह R क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां से काम करेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा जी, वर्क करेगा। अगर यह एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपका क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो इस पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस इधर, डेल्टा इधर माइनस, तो प्लस और माइनस को मिला दो और ये बॉन्ड क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। देखिए आर का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया, तो ये लीजिए इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ओ है, तो इसको हमने एस सच यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ओ माइनस आ गया। अब देखिए इस ओ माइनस से चिपकने के लिए यहाँ पे कौन रेडी है आपका, एम जी बी आर, एम जी प्लस बी आर, ठीक है। इस तरीके से आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये O तो क्या कर लेगा, इस H को पकड़ लेगा और आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देगा, प्रोडक्ट जनरेट कर देगा OH। और देखिए ये मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, MgBrOH, ठीक है। इस तरीके का आपका यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे ये तो क्या थी, इसकी मैकेनिज्म टाइप थी, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। देखिए जो आपको R ग्रुप दिया होगा उसमें एक कार्बन ऐड करके क्या कर देना है, यहाँ पे COH लगा देना है, या आप क्या करो जो R ग्रुप दिया है उस पर क्या ऐड कर दो, डायरेक्ट CO2H ऐड कर दो, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फंक्शनलिटी ऐड कर दीजिए। ये चीज आप थोड़ा यहां से समझ पाएंगे। एक बार देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, CH3CH2 और यहाँ पे एक कार्बन है, एक CH3 यहाँ पे है। अब देखिए ये कार्बन कनेक्ट है इस CH2 से, ठीक है, और ये क्या है जी आपके MgBr से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या है, डेल्टा निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, सीधे इस पर अटैक करेगा और कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट क्या कर देना है, इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बना देना है। ये क्या है CH2, यहाँ पे आपका कार्बन था, इस पर क्या लगा हुआ है जी, देखिए यहाँ पे CH2CH3 और इधर क्या लगा हुआ है आपका CH3 लगा हुआ है, और इसने किस पे अटैक किया है, CO O- जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ लेगा सेकंड स्टेप में और आपका क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो देखिए हमने किया क्या, ये R ग्रुप जो था एस सच हमने यहां से लिख लिया यहां पे, ये देखिए, और उस पे क्या लगा दिया, एक CO2H एक्स्ट्रा लगा दिया। तो उसी तरीके से अगर हम इसका पूछ लें तो इसको एस सच लिख लो यहां पे, देखिए इसका प्रोडक्ट अगर हम आपसे पूछ लें तो इसको एस सच यहां पे लिख लीजिए CH2 और यहां पे क्या है जी, देखिए इसको यहां पे लगा लीजिए CO2H, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट यहां पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखिए हम इस रिएक्शन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं ना, देखिए यहां पे आपके कितने, अगर मान लीजिए यहां पे आपके कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन थे, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए 1 2 3 4 और एक पांचवा कार्बन, ये तो आपने एक कार्बन से क्या कर दिया, चेन को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, होमोलोगेशन रिएक्शन बोला जाता है, कि आपने चेन को क्या कर दिया, एक कार्बन नंबर से कर दिया, होमोलोगेट कर दिया, आगे प्रोपगेट कर दिया। तो इसलिए रिएक्शन क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां से हम क्या करते हैं, एक कार्बन का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई आप बोलोगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए आपसे कभी कभार एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं ना, कि क्या करो जी, मिथाइल ब्रोमाइड से आप जनरेट करो यहां पे एसिटिक एसिड CH3CO2H, ये जनरेट करके दिखाओ, तो आप यहां पे कौन सी रिएक्शन इंप्लॉय करोगे। अब देखो भाई आपको पता है कि ये क्या है आपका, इसको मैं कुछ इस तरीके से यहां पे लिख सकता हूं CH3Br, ठीक है, ये क्या आपका मिथाइल ब्रोमाइड, और जब भी आप किसी अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं जी, इन बॉन्ड में यहां पे इंसर्ट हो जाते हैं और कुछ इस तरीके का CH3Mg और यहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत कमाल की रिएक्शन है। क्यों कमाल की है, एक बार देखिए भाई, देखिए इस रिएक्टेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे ब्रोमीन क्या है, एक माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। अगर ये माइनस आई लगाएगा तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा, यानी कि ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा निगेटिव। अगर ब्रोमीन के ऊपर यहां पे डेल्टा निगेटिव आ रहा होगा तो पक्का ही इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, जब भी कोई मेटल आ जाए तो हमेशा मेटल के ऊपर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। अगर इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा तो मेथिल के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसने अपनी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज कर ली है इस कार्बन ने, और जहां जिन रिएक्शंस में पोलैरिटी चेंज होती है उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं,
अम्पोलंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अम्पोलंग रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद ये जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब तो आपको पता है कि यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या करना है, CO2 को ऐड कर देना है। जैसे ही आप CO2 को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे हमने पहले रिएक्शन यहां पे क्या की थी, यहां पे जो हमने ये रिएक्शन डिस्कस की है, सेम यही रिएक्शन हमने क्या किया यहां पे इंप्लॉय कर दी है, सेम हमने यही रिएक्शन का यूज यहां पे कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। अगर आप इससे पहले जो हमने रिएक्शन डिस्कस की थी ना, ये वाली रिएक्शन, अगर आप यहां पे भी देखेंगे, देखिए भाई आपने स्टार्ट कहां से किया था, वन कार्बन से स्टार्ट किया था, लेकिन जो आपने नाइट्राइल बनाया इसमें कितने कार्बन आ गए, वन और टू। तो इस तरीके की रिएक्शन आप देखिए, अगर आप यहां पे कर सकते हो, देखिए ये जो हमने अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया था इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे भाई। देखिए यहां पे आप क्या करते हैं, इसमें KCN ऐड कर देते, KCN ऐड कर देते, ठीक है। तो ये CN माइनस क्या करता जी, इस पे अटैक करता, BR को क्या कर देता, बाहर कर देता, ठीक है। और आपका क्या बन जाता है यहां से, CH3CN। और इसके बाद आपको पता है कि इनकी तो हमें क्या करनी होती है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करनी होती है, H+H2O। तो ये दोनों ही मेथड जो आज हमने डिस्कस किए, इनका यहां पे क्या रोल होता है जी, वन कार्बन होमोलोगेशन का रोल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मजेदार प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।